जाना सुनवाई करेगा। मध्यस्थता के जरिए विवाद का कोई हल निकालने की कोशिश असफल होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट मामले की रोजाना सुनवाई करने का फैसला कर चुका है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। संवैधानिक पीठ में जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस ए नजीर भी शामिल है। आपको बताएं, साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया था। 2/3 हिस्सा हिंदू पक्ष को मिला था और 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को, लेकिन कोई भी पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ। तो आज से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई, डे टू डे सुनवाई होगी और अयोध्या मामले में आज से डे टू डे सुनवाई होगी, क्योंकि मध्यस्थता कमेटी जो है उसको फेल बताया सुप्रीम कोर्ट ने। 5 सदस्य संविधान पीठ करेगा सुनवाई। सीजेआई रंजन गोगोई भी रहेंगे मौजूद और अब उम्मीद यही कि इस मामले को भी जल्द से जल्द सुलझाया जाए। जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर रहेंगे। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। दिल्ली से अवैस हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही संजीव जुड़ गए अयोध्या से हमारे साथ। सबसे पहले आप ही के पास अवैस, कितने बजे से सुनवाई शुरू होगी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, 10:30 बजे इस मामले में सुनवाई शुरू होगी और आज क्योंकि सुनवाई का पहला दिन है, 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 अगस्त से इस मामले में डे टू डे सुनवाई करेगा और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या जमीन विवाद के मामले, यानी मेन मुद्दा मामला जो है टाइटल सूट का जो मामला है, उस मामले में पहली बार डे टू डे सुनवाई शुरू करने जा रहा है। और सबसे पहले जो पक्ष रखेगा वो निर्मोही अखाड़ा रखेगा, उसके बाद फिर साथ में जो पक्षकार होंगे वो रामलला विराजमान होंगे और आज सुनवाई शुरू होगी और बहुत अहम सुनवाई है। हमारे साथ करुणा शुक्ला भी मौजूद हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। आज सुनवाई शुरू होगी, क्या किस तरह से आप लोग अपना पक्ष रखेंगे, क्या किस तरह की तैयारियां हैं आज की सुनवाई के लिए? देखिए, आज के लिए जो तैयारियां हैं हमारी, हम मेरिट पे डिसाइड करने के लिए कोर्ट में लगा दिया गया, मीडिएशन फेल हो चुका है। अब आज जो पक्ष है निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान, उसको सुना जाएगा, उसके बाद इस केस को डिसाइड किया जाएगा कि आगे वाले पक्षों को कब सुना जाएगा। 155 दिन की मीडिएशन प्रक्रिया हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिएशन कामयाब नहीं हो पाया, तो आपको क्या लगता है कि अब जब डे टू डे सुनवाई होगी, 35 दिन का टाइम है, अगर चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का तक देखा जाए 35 दिन इस मामले में सुनवाई होगी, तो क्या 35 दिन में इसका कोई हल निकल कर आएगा, केस का फाइनल जजमेंट आ जाएगा? देखिए, फाइनल जजमेंट आने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार हेयरिंग हो चुकी है, राजीव धवन जी अपोजिट पार्टी जो है अपने सारी जजमेंट मतलब सुना चुके हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं आप और 10:30 बजे से सुनवाई होगी, हम वापस आपके पास भी आएंगे। संजीव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। संजीव, आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि पहली बार अब डे टू डे सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, किस तरह का माहौल अयोध्या में? जी खुशबू, आपको बता दें कि जिस तरीके से बहुत पहले से यहाँ के साधु संत हो या पत्रकार हो, सभी ये मांग उठाते आ रहे हैं कि चाहे जिस हाल में हो न्यायालय फैसला दे। अब बीच में मीडिएशन जब समिति आई थी उस समय भी इन लोग की एक उम्मीद जगी थी कि अब जो है मामले से निपटारा मिलेगा, लेकिन अब चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नजर रहेगी हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात